योगी सर्वकार सुखदाता। संत एकनाथ ने लिखी है ये पोयम संतवाणी, ये 2 है, संतवाणी 2, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रस्तुत अभंग में योगी ने पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून, पुरुष और पाणी की तुलना की है इन्होंने। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा ही श्रेष्ठ है, मतलब जो योगी पुरुष होता है वो पाणी से भी श्रेष्ठ होता है, हे विविध दृष्टांतून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। संत एकनाथ ने ये स्पष्ट किया है। देखते हैं इनकी पोयम क्या है। जैवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखो वा जैवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वासी मृदुत्व। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मराठी में बोलूंगी, देन उसको कन्वर्ट करूंगी हिंदी में। संत एकनाथ म्हणतात की ज्याप्रमाणे चकोर या पक्षाला चंद्रकिरण अमृता समान आहे, जीवनदायी आहे, कारण चकोर हा चंद्रकिरण पिऊन जगतो, अशी कल्पना केली आहे। पिल्लांसाठी आपल्या आईचे म्हणजे पक्षिणीचे पंख सुरक्षा देणारे, आसरा देणारे, माईची ऊब देणारे आहेत। सजीवांसाठी पाण्याचे जे महत्त्व आहे, पाणी हे सजीवांसाठी जीवन देणारे आहे, त्याचप्रमाणे योगी पुरुष मृदू शब्दाचे व्यक्तिमत्त्वाचे स्थान आपल्या जीवनात महत्त्वपूर्ण आहे। सीयर यहाँ पे जो उदक है, उदक मीन्स व्हाट, वॉटर। यहाँ पे हम देखते हैं जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखो वा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वासी मृदुत्व। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है, एकनाथ जो है वो कहते हैं कि जिस तरीके से चकोर पक्षी जो रहता है चंद्र किरण पढ़ते उसको अमृत के समान लगता है, जीवनदायी लगता है, उसी तरीके से क्योंकि चकोर हाँ चंद्र किरण पीऊन जगतो, चंद्र की किरण जो रहती है उसके उसको पी के जीता है, ऐसे लगता है, ऐसी कल्पना की गई है। वैसे ही जैसे कि एक पक्षी पिल्लांसाठी आपल्या आईचे पक्षी ने जो पंख सुरक्षा देणारे, अभी उसके बच्चे जो रहते हैं, एक पक्षी अपने बच्चों को आसरा देता है पंखों के सहारे, ठीक है, प्रेम करता है अपने बच्चों से, सजीवांसाठी पाण्याचे हे महत्त्व। इसी तरीके से हम लोगों को वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और हम लोगों को वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और जीवन देता है ये वाटर हमें। उसी तरीके से जो योगी पुरुष होते हैं, जो योग करते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं उनको, उनके लिए मृदु शब्दाचे व्यक्तिमत्वाचे स्थान आपल्या जीवनात, उनको उनका व्यक्तिमत्व जो स्थान है, उनका जो मृदु उनके शब्द हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है, जलवरी वरी शाळी मळ, योगी सभ्या ह सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता। पाण्याने शरीराच्या बाह्य भागावरील मल वरच्यावर नष्ट होतो। पाणी से क्या होता है, हम अपना शरीर हमारा अंग जो है उसको हम धोते हैं तो उसका जो मैल रहता है, राइट, हमारे बॉडी का जो मैल है वो सिर्फ बाहर से ही नष्ट होगा, परंतु योगी पुरुष त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या बाह्य रंग व अंतरंग दोन्ही निर्मळ करतो। लेकिन जो योगी पुरुष होता है वो बाहर से भी और अंदर से दोनों मैल, जो अंदर का मैल है और बाहर का मैल है, दोनों को वो क्लीन करता है, मल रहित करतो। पाणी प्यायल्यानंतर मिळणारे सुख हे काही काळापर्यंतच असते, पर पाणी पिणे से जो सुख मिळता है वो थोडा ही टाइम के लिए रहता है। अभी प्यास लगी, हमें थर्स्टी हुआ तो हम पीते हैं, कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, परंतु योगी पुरुषाचा सहवासा सर्वकाळ सुख देणारा आहे। पर योगी पुरुष का जो सहवास है वो हमेशा के लिए, हमें कैसे थोड़ा क्षण मात्र के लिए संतुष्टि होती है, लेकिन योगी पुरुष को हमेशा के लिए। बिकॉज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से पानी से पूरा शरीर धो लिया, मैल छोड़ लिया, ठीक है, मैल निकल जाता है, मैल वगैरह जो रहता है, लेकिन जो योगी पुरुष होता है वो जो कि मैं वो अंदर से बाहर से दोनों का मैल निकालता है,
उदकाचे सुकते किती, सर्वेची क्षणे तुष्टे होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ती, सुखदासी विक्रती पय नाही। याचा अर्थ आहे, पाणी प्यायल्यानंतर मिळणारे सुख कितीसे असते, म्हणजे थोडंसंच असतो ना, आणि ते सुख तहानलेल्या जीवाची तहान भागवण्यापुरतेच मर्यादित असते। मतलब कि जो पानी पीता है तो जब प्यास लगती है तब तक ही ये सुख मिलता है, उसके बाद तहानलेल्या जीवनाची तहान भागना, जब तक आपको प्यास लगती है तब तक ही आपको वो फील होता है, वो सुख की अनुभूति होती है। म्हणजेच पाण्यामुळे मिळणारे सुख क्षणिक असते, मतलब की कुछ देर के लिए पाणी का जो है तो क्षणिक ही रहता है, कुछ टाइम के लिए सुख मिल रहा है, पण योगी इतरांना आत्मानंदाच्या सुखाने जाणीव करून देतो। पर जो योगी रहता है वो आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से दूसरों को, सभी जीवों को सुख की अनुभूति कराता है, आत्मानंदाच्या तृप्तीचा अनुभव करून देतो, कि आत्मा में किस तरीके से आनंद है इसकी अनुभूती करा के देता है, त्याला सुखाचा, सुखाला कोणतंही बाधा येत नाही, उसके सुख में कोई भी ऐसे डिस्टर्बन्स नहीं होते हैं, ते सुख अखंड अपरंपार असते, उसका सुख अपरंपार मतलब कि अनलिमिटेड उसका सुख रहता है, ते चिरकाल टिकणारे असते, उसका सुख जो रहता है चिरकाल टिकता है, क्योंकि वो एक आत्मा की अनुभूति करता है, और तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई रहेगी ये पोयम। और नेक्स्ट लाइन जो कि है हमारा, और वो है मेघ मुखे जो कि लाइन है, एक मिनट। मेघ मुखे अंत अधपतन, उदकाचे देखुनी जान, अदपाते निवती जन आनंदा अन्नदान सकळांसी, तैसे योगिया खासी खालूते येणे, जे इह लोकी जन्म पावणे, जननिववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्ध धरी। इसका मीनिंग वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे संत एकनाथ जो है ना, वो योगी के इस तरीके से हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है, वो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, संत वाणी है, संत लोग शायद ऐसे ही बोलते थे। अब यहाँ पे मेघ मुखे अधपतन, इसका मीनिंग क्या, तो मेघ मुखातून पाण्याचे अधपतन होते, म्हणजे पाऊस पडतो, मेघ मतलब कि बादल, बादल से पाणी आता है, ठीक है, पाऊस पाणी गिरता है, त्यामुळे सर्व लोक सुखावतात, कारण त्या पाण्यामुळे शेतीभाती पिकू सर्वांना अन्न धान्य मिळते। पाणी गिरा जैसे ही धरती में तो सबको सुख फील होता है, क्योंकि सब लोग वेट करते हैं पाणी का, कि पाणी गिरे तो खेती होगी, है ना। त्याप्रमाणे योगी पुरुषाचे इहलोकात मर्त्य लोकात जन्म घेणे, योगी पुरुष जो रहता है इस मृत्यु लोक में, हमें जो ये दुनिया हकीकत नजर आती है, योगी के लिए एक ये मृत्यु की दुनिया है। हे लोकांना श्रवण कीर्तनातून आत्मज्ञान करून देण्यासाठी व त्यांचा उद्धार करण्यासाठी असते, वो इस दुनिया में, ये मृत्यु दुनिया में क्यों आए। देखिए हम लोगों को क्या लगता है कि हमारी ये दुनिया है, ठीक है, हमारे लिए ये हकीकत है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो दो दुनिया है। तो जैसे कि यहाँ पे जो योगी ही रहते हैं, अकॉर्डिंग टू संत एकनाथ, इनका कहना है कि जो योगी लोग होते हैं वो इस मृत्यु लोक में आते हैं, और हमें क्यों आते हैं वो, क्योंकि वो दूसरों का उद्धार कर सकें, उनको आत्मज्ञान देते हैं, ताकि जो मनुष्य है वो उसको ज्ञान हो सके, वो आत्मज्ञान ले सके, उसको ज्ञान हो पाए और उसका उद्धार हो पाए। बिकॉज कि जो हम सोचते हैं वही फिर हम मानने लगते हैं, लेकिन अगर हमारा सोचने का तरीका ही गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट, हम फिर अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। माइंड अच्छा होगा तो सब अच्छा नजर आएगा, है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसलिए
देखने का डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये लोग आते हैं ऐसे योगी पुरुष और मार्गदर्शन करते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। संत एकनाथ कहते हैं, संत एकनाथ म्हणतात, स्वतः जवळ असलेले ज्ञान लोकांना देऊन योगी पुरुष लोकांचे कल्याण करतात। अब जो योगी लोग होते हैं उनके पास खुद के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान दूसरों को देके वो लोगों का कल्याण करते हैं। जननिवि श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी, तो इसका मीनिंग ये होता है। आई होप कि इस पोयम से समझा रहेगा। इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम भौतिक चीज़ों में अपने को हम भौतिक चीज़ों के, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये करोड़ों रुपए हो, मैं ऐसे जीऊँगा, लेकिन जस्ट देखने वाली बात है कि जिनके पास है क्या वो कैसे जी रहे हैं। तो अपने अपने कार्मिक अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि यो जो योगी पुरुष होते हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं, लेकिन हम लोग का उद्धार करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। बिकॉज़ कि जब हम देखते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम सपने में जब सोते रहते हैं, राइट, सपना देखते हैं रात को, तो वहाँ पे उस सपने में हमें वो चीज़ हकीकत नज़र आती है, हमें लगता है कि वो ही हकीकत है। और फिर जब हम सुबह होती है, जब हम उठते हैं, तो वहाँ जब उठते हैं तो देखते हैं तो वो चीज़ अलग होती है। तो एक्चुअल में क्या हकीकत है ये हमें ही नहीं पता रहता। तो कुछ ऐसे मन के डाउट्स होते हैं जो योगी लोग आते हैं और अपने नॉलेज से वो हमारे जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करते हैं और हमारा उद्धार करते हैं, जिससे कि हम अवेयर हो जाते हैं और सही राह पे चलने लगते हैं। तो एकनाथ जी ने हमें इस तरीके से डायरेक्शन देने के लिए इस पोयम को लिखा। तो आशा करते हैं कि आपको एकनाथ जी की पोयम पसंद आई रहेगी। ये बहुत ही महान संत थे। आप अपने भारत के संतों के बारे में जान सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करिए जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं।